हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से बीम के अंदर रीबार प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। तो जस्ट क्लिक हियर एंड देन मैं इसको क्लोज कर दिया इस पैनल को। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था। जस्ट क्लिक ऑन स्ट्रक्चर टेम्पलेट एंड देन रिबन पैलेट में आपको स्ट्रक्चर में जाना है। जस्ट गो टू स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट थिंग जस्ट गो टू लेवल वन, बिकॉज आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? लेवल वन से। ओके, just click on level 1, then just click on column and आप column में देखोगे तो यहाँ पे W shape में column है और concrete columns के ये different sizes हैं। If you want you can take this one, otherwise you can go to any type and change your size। just यहाँ पे आपको click करना है और यहाँ पर click करना है। हम देखेंगे कि level 2 के हमें मिल रहे हैं या नहीं। just go to level 2। तो हमने देखा यहाँ पे हमें लेवल 2 पे नहीं मिला। अक्सर आपके साथ इस तरह से प्रॉब्लम आती है। सो इसके लिए क्या करना है उसको देखिए। जस्ट गो टू एलिवेशन। अगर एलिवेशन इस तरह से हो तो जस्ट क्लिक ऑन प्लस सिंबल एंड देन यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर। तो जस्ट डबल क्लिक हियर एंड जस्ट सेलेक्ट योर कॉलम एंड सी टॉप लेवल इज लेवल 1, मीन्स यहाँ तक ही आना है इसको। अभी परमिशन ये मिला है। सो जस्ट क्लिक हियर, जस्ट गो टू लेवल 2, बिकॉज हमें लेवल 2 पे इनको चाहिए। एंड साथ ही साथ हमें माइनस में नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट करना है। सो क्लिक किया जीरो एंड इसे आप अप्लाई करेंगे ऊपर तक। ओके, तो अब जस्ट लेवल 2 पे जाएंगे और यू कैन जस्ट सी हियर दिस बोथ आर कॉलम्स। ओके, आई वांट टू ड्रॉ वन बीम हियर। सो फॉर दैट जस्ट गो टू बीम एंड देन जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड इफ यू वांट रेक्टेंगुलर बीम यू कैन जस्ट टेक फ्रॉम हियर, अदरवाइज सर्कुलर इज देयर and steel beams are there. So I want this time just rectangular and concrete beam. So just click here on center and then click on next center. Okay, so we get here one beam also. And after beam, if you want to see this, you can just go to 3D view and you can see columns and beam. Again, just go to level 2 and now this time I want to cut elevation first. अगर मुझे किसी भी चीज़ में रिवार डालना है तो सबसे पहले हमें एलिवेशन पे जाना चाहिए, सॉरी सेक्शन पे जाना चाहिए। सेक्शन पे जाके जस्ट हमें यहाँ पे सेक्शन उसका ड्रॉ कर देना चाहिए। हम यहाँ से गए और यहाँ जाके हमने सेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश किया एंड सेक्शन ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है एक सेक्शन दिख कैसा रहा है। मैं सेक्शन का एक अलग से ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं देख के। राइट क्लिक एंड गो टू व्यू। जैसे व्यू में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए हमें बीम प्रोवाइड हो रहा है। जैसे हम सेलेक्ट करके देखेंगे प्रॉपर्टी बॉक्स में दिखेगा ये बीम। ओके, इसके अंदर हमें रीबार प्रोवाइड करना है। बट रीबार प्रोवाइड करने से पहले आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, तो कवर क्या होता है आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जानिए। कवर हमें स्टील जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम का जो फ्रंट स्ट्रक्चर है उससे और स्टील के बीच की जो गैपिंग है उसको मेंटेन करता है। और इसको लगाने के कई फायदे हैं। एक तो हमारा स्टील सेफ होता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ कवर अगर हम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो हमें हमारे स्ट्रक्चर में हनीकॉम्ब्स नहीं आते। और इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो तैयार करने की सोचूंगा कि कवर पे एक अच्छा प्रॉपर आपको वीडियो तैयार कर दिया जाए, अदरवाइज आप गूगल पे जाके कवर के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, सो हमें कवर लगाना है। जस्ट क्लिक ऑन एडिट कवर, यहाँ पे कवर पे क्लिक करना है और कवर क्लिक कर देखिए प्रॉपर कवर यहाँ पर आ चुका है। कवर आपको पता होना चाहिए बीम के लिए हम लोग 25 कवर रखते हैं, कॉलम के लिए 40 कवर रखते हैं, स्लैब के लिए 15-20 रखते हैं। सो ये हमारा एक बीम है। सो इधर देखिए ऑटोमेटिक कवर आ चुका है, बट हमें अगर खुद का कवर डिफाइन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा फिर फेसेस पे और यहाँ पर जाके जैसे इस पर क्लिक करेगा और इस पर क्लिक करेगा आप कंट्रोल दाब के आप और सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आई थिंक सभी सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे कवर आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे कवर मिल जाएंगे डिफरेंट। बट जैसे कि आप खुद से अपना कवर डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट टाइप एडिट कवर पे जाइए और यहाँ पर टाइप डुप्लीकेट अदरवाइज एड एक न्यू कर लीजिए। जैसे कि मैंने एक नया कवर कर लिया जिसका नाम रख दिया रीबार कवर 1 या आप सीधे रख दीजिए रीबार कवर बीम। और जैसे कि हमको पता है, आपको भी पता है कि हम रीबार में इसमें यूज करते हैं 25 mm, मीन्स नियर अबाउट 1 inches। तो हमने यहाँ पर 1 inches लिया एंटर। ओके, एंड देन आप जैसे क्लिक किए तो ये देखिए आपके पास एक कवर प्रोवाइड हो गया है, एक कवर आपके पास आ चुका है। ओके,
अगर आपको चेक करना है हुआ कि नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आप फिर से देखिए, और यहाँ पे जब हमने साइन कर दिया हमारा कवर लग चुका है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमें रीबार का ऑप्शन मिलेगा। रीबार का ऑप्शन पे जाके जैसे ओके करेंगे हमें डिटेलिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आईएस कोड एंड बीएस कोड्स हैं, जिसमें डिटेलिंग के हमें रीबार्स मिले हैं, सेफ मिले हैं। ठीक है, रीबार सेफ 0001 आप देखेंगे, और 02 03 04 05 डिफरेंट डिफरेंट सेप्स हैं। आपको जो सेप चाहिए, जैसे कि जो मुझे सेप चाहिए यहाँ पे नीचे आपको लेवल मिलेगा, ये सेप चाहिए हमें, ये सेप चाहिए, सेप नंबर 11, ओके सॉरी T1। जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे जाएंगे देखिए आपको यहाँ पे जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे हुक प्रोवाइड कर दीजिए। और जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये देखेंगे आपको ये प्रोवाइड हो चुका है। इफ यू वॉन्ट टू सी दिस, आपको ये देखना है, so for that you can just go to view and then PDB, and after this if you want to like see, देखिए यहाँ पे केवल एक provide हुआ है, एक तो होता नहीं, तो आप उसको क्या करिए, इसको select करिए and यहाँ पे देखेंगे तो single है, just click here, maximum spacings, आपको आपके पास maximum spacings provide होगा, so जो भी आपके पास maximum spacings है वो आप यहाँ पे put कर दीजिए, अगर 150 में तो 6 inches कर दीजिए यहाँ पे, और वो करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से रीबार प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से बीम के अंदर रीबार प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से कॉलम में रीबार प्रोवाइड करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैं और भी ढेर सारे वीडियोज तैयार कर सकूँगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।